कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड के आधिकारिक घोषणा के मौके पर बोर्ड के मेंबर्स को बीजेपी के सांसद अनुपम हाजरा ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। बोर्ड ऑफ सोशल जस्टिस वुमेन एम्पावरमेंट मीट 2023 के मौके पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम समेत जिंदल स्टील कंपनी से एसपी सिन्हा, नीति आयोग की सदस्य अर्चना समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं, जिनको बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से फूलों का गुलदस्ता देकर और फूल माला पहनाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच कई सामाजिक लोगों और पत्रकारों को भी शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि देश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को रोकने के संकल्प के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में बोर्ड के चेयरमैन सहित बोर्ड के डायरेक्टर जनरल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मतलब जन्मदिन में एक स्पेशल गिफ्ट है कि एक जो बर्निंग इशू है इंडिया का, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला का सशक्तिकरण, तो उसको फोकस में डाल के, उसको प्राइम फोकस में लेके ये बोर्ड जो इस तरह के इवेंट कर रहे हैं, तो ये शायद एक लाइक बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एग्जांपल है। जो ग्रास रूट लेवल में जो लोग मतलब जो स्पेशली वुमेन वॉरियर, उन लोगों को ये रिकॉग्नाइज किए हैं, इन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो एक इंस्पिरेशन बाकी वुमेन के लिए है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट इशू को इग्नोर करें तो कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकता। बेसिकली देश में बढ़ रहे अन्याय, वुमेन्स पर जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी रोकथाम करने के लिए ये एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसके तत्वाधान में ये एक बोर्ड बनाया गया है, सामाजिक न्याय महिला अधिकारिता बोर्ड, जिसका लक्ष्य है देश को अपराध मुक्त बनाना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शोषण को रोकना। जो हमारे देश के नागरिक हैं आज भी वो अपने मौलिक अधिकारों से अवगत नहीं है। भारत के अंदर भारत की जो जनता है, अगर उनको अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ही पता नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। महिला अधिकारिता बोर्ड के अंतर्गत रखा गया है। शपथ समारोह यूजली इसलिए होता है कि जो भी पदाधिकारी हैं या हम देश में जो करने जा रहे हैं उससे पहले अपने कार्य के प्रति उसको कार्य को पूरा करने के लिए शपथ लें कि वाकई में आपको हृदय से वो चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। शपथ समारोह का मुख्य कारण बस यही है कि हमारे देश में जितने भी पदाधिकारी जुड़ेंगे वो आज से एकत्र होके और शपथ लेके ये कहें कि देश में हम निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे। विश्वकर्मा पूजा भी है, 17 सितंबर भी है, परमादरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और हमारे बोर्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के ओथ सेरेमनी भी है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें आप लोग आए हैं। हमारे देश की बहुत विभूतियों को आज यहाँ सम्मानित किया गया, विभिन्न क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र के हैं, व्यापार के क्षेत्र के हैं, पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने कार्य किए, वकालत के क्षेत्र के, श्रम के क्षेत्र के, जो विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम है और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। एंड वो इतने साल तक जिए कि और भी अच्छा काम करते रहे, हमारे देश के लिए भलाई करते रहे, और जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूँगी, क्योंकि हिंदुस्तानी तो हम सब हैं, भारतीय हम सब हैं और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, पर जो भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं वो जिस तरह हमारे देश को प्यार कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को प्यार कर रहे हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही है। ये जो सामाजिक बोर्ड जो है, ये वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो प्रोग्राम है सामाजिक न्याय एंड वुमेन एम्पावरमेंट जो है, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय की मैं, क्योंकि इसमें दो शब्द अलग अलग हैं और दोनों का रीज़न अलग अलग है, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते तो वो न्याय किसी के लिए भी हो सकता है। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।